इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट उसमें डायरेक्टर रहे और रिटायर होने के बाद भी स्टेट बायोडायवर्सिटी जो बोर्ड है हमारा उसमें ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उसके। उसके अलावा ये इन्होंने जेकेएस किया था, 2 साल तहसीलदार रहे, इनको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने कहा मैं वन सेवा में जाना चाहता हूँ भारतीय जनरल, मैं इन्होंने सीट निकाली IAFS में। फिर ये सर जो है अच्छे लेखक भी हैं, इनकी कई बुक्स हैं, अनंत मतलब इनकी कई बुक्स हैं, बड़ी फेमस है और डोगरी लैंग्वेज के बड़े अच्छे लेखक भी हैं। और हमारे भारत सरकार का राइटिंग में लिखने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो है बहुत प्रेस्टिजियस है, वो भी इनको प्राप्त है। उसके साथ साथ बहुत ही एक बड़े अच्छे समाज सुधारक हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड इन्हीं की दीना है। इन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी को बताया कि इसकी बहुत जरूरत है हमारे, नहीं तो हमारी बायोडायवर्सिटी जो है वो इरोड हो जाएगी। उसके साथ साथ सर जो है ट्री टॉक, आपने देखा इनका एक इनिशिएटिव है कि प्रोटेक्ट करो अपनी जो ट्री की बायोडायवर्सिटी है और ट्रीज का क्या महत्व है, उसको साइंस के साथ, कल्चर के साथ, रिलीजन के साथ ये कोरिलेट करते हैं ताकि हमारी बायोडायवर्सिटी बची रहे। सर आपका बहुत अभिनंदन हमारे कृषि विश्वविद्यालय जम्मू में। और इस टाइम हम जो तपोवन के प्रांगण में हैं, जो हमारे माननीय एलजी साहब का सपना था, हमारे प्रोफेसर दादा ने वाइस चांसलर, इसको एग्जीक्यूट किया गया। और ये राजहरण है, उसकी जहां पर हमने प्रमोशन की है, तो ये अब खुद हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राफ्टेड प्लांट है। बाकी सर आपका अभिनंदन, मैं चाहूंगा कि आप सब हम सबको अवगत कराएं सर, धन्यवाद। शुक्रिया। ये तो सभी को मालूम ही है कि अभी हमने नवरात्रे मनाए तो माँ दुर्गा के 9 रूपों में एक रूप जो है ना शैलपुत्री, उसको इससे जोड़कर देखा गया, जिस तरह हिमालय की पुत्री, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ट्री है ये, जिसको उतना मान सम्मान है कि इसको पूजा जाता है शैलपुत्री के नाम से। और मोस्टली जो 9 रूप हैं उसमें अलग अलग पेड़ पौधों की बात हुई है, कहीं ना कहीं वो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स ही हैं सारे। तो शैलपुत्री के हवाले से ये प्लांट जो है इसको बोला जाता है चेबुलिक माइरोबेलन, अंग्रेजों ने जो नाम दिया है, लेकिन उससे पहले हमारा नाम था संस्कृत का हरितकी, हरे रंग का इसका फल ऑलमोस्ट रहता है। और हरितकी को हलील भी बोला गया उर्दू में या फारसी में, और उससे हमारा शब्द जो है निकला हुआ है अरड़ या रीढ़, कुछ टिपिकल डोगरी में इसको रीढ़ भी बोला जाता है या हरड़ बोला जाता है, ये चेबुलिक माइरोबेलन बोला जाता है। तो चूंकि 2 दिन के बाद जब होगा ना धनतेरस, तो धन जो त्रयोदशी है बेसिकली 13वां दिन है वो आप शुक्ल पक्ष, तो उसमें धन्वंतरी जी का हुआ अवतार, और माना जाता है वो भी विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। तो उन्होंने कुछ जो हमें ज्ञान दिया चिकित्सा का, जिसको कहते हैं आयुर्वेद, जैसे हमारे बाकी 4 वेद हैं उन्हीं का एक उसमें उपवेद इसको भी माना गया आयुर्वेद को। तो नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है, पता ही होगा आपको, हर दिन हर साल जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं। तो 2016 को पहली बार मनाया गया था आयुर्वेद दिवस, तो कितना हुआ अभी जो 23 को हम मनाएंगे, 8वां, 16 वालों को गिनना पड़ेगा, तो 8वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। तो उसमें जो यहाँ के आयुर्वेद संस्थान है स्कूल्स में कॉलेज में, मोदी साहब का एक स्पेशल वो एक ड्राइव रहता है कि इनको सिर्फ एक दिन के रूप में ही नहीं, पूरे हफ्ता भी आप मना सकते हैं, 15 दिन में भी मना सकते हैं। तो आयुर्वेद के हवाले से कुछ चीजें हैं जिनका ज्ञान, चाहे वो डायरेक्टली जुड़े हों पेड़ पौधों से के नहीं जुड़े हों, फॉरेस्ट के हों, एग्रीकल्चर के हों, हॉर्टिकल्चर के हों, फ्लोरिकल्चर के हों, या नहीं भी हों, तब भी उनको ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि ये 4000 साल से भी पुराना ज्ञान है। तो उसमें आता है त्रिफला, कई बार पूछा जाता है तो बच्चे बेचारे, खासकर बुजुर्ग तो बता ही देते हैं, तो आज के बच्चे जो है उनको भी ये पता चले, तो आप मैसेंजर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। त्रिफला 3 फल
जिनका चूर्ण होता है, तो उसमें क्या क्या है, आंवला है, हरड है और बहड़ा है। तो वो तीनों हो सके तो हर स्कूल में रोपित भी होने चाहिए, ताकि बच्चों के सामने रहेंगे आंवला, हरड, बहड़ा, तो उनको याद रहेगा ये इन्हीं से त्रिफला चूर्ण बनता है। इनके प्लांट्स तो अवेलेबल होंगे, बिल्कुल मिलते हैं ना, इनसे भी मिलते हैं, फॉरेस्ट की भी नर्सरीज होती है। अच्छा, तो एक तो त्रिफला नाम सुना जरूर होगा, हो सकता है चूर्ण भी आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन कौन से पेड़ हैं, और फील्ड में जब आपको दिखाई दे पेड़ तो आप ये, तो चलो आप आज फल है इसमें, फल ना भी हो तो क्या आप पत्ते से पहचान सकते हो ये पत्ता किसका है? ये बहुत बड़ी पहचान है, इसकी जरूरत है। और दूसरे हैं दशमूल वनस्पति आयुर्वेद की, त्रिफला में तो तीन बता दिया, वो आंवला, हरड़, बेड़ा, और दशमूल में दस हैं, पांच पेड़ हैं और पांच छोटी झाड़ियां हैं, छोटी वनस्पति है, तो उसके नाम भी आने चाहिए सभी को। और उन पांच में है एक बेल है, जिसको हम शिवरात्रि पे भी चढ़ाते हैं। बेल के साथ साथ दूसरा जो प्लांट है वो है गंभारी, वो भी अगर होगा तो दिखाएंगे आपको, हो सकते हैं लगाए हों, नहीं लगाए होंगे तो लगाने चाहिए, क्योंकि दस ही लगाने हैं, दस में पांच ही पेड़ हैं, तो बेल हो गया, गंभारी हो गया, तीसरा है पाटला, वो भी होना चाहिए, और एक है शिवनाक चौथा, और पांचवा है उसको बोलते हैं अग्निमंथ या अरनी, अग्निमंथ ऊर्जा पैदा करने वाली एक पेड़ ही है वो, जम्मू शहर में से सारे पेड़ हैं लेकिन यहाँ पे हैं कि नहीं है वो देखेंगे। तो पांच हो गए वो पेड़, अगर दोबारा आप इसको सुनना चाहें तो पांच पेड़ क्या बताए मैंने, बेल, गंभारी, अग्निमंथ, शिवनाक और पाटला, ये पांच हैं, अदरवाइज गूगल में आराम से मिल जाते हैं, आजकल तो इंटरनेट के जमाना है। पांच और जो वनस्पतियां छोटी उसमें क्या है, कंटकारियां हैं दो, जिसे आते डोगरी कंडियारियां, कंडियारियां भी दो किस्म दी, तो दो किस्म में से एक भारतीय छोटी कंटकारी है, इसके नीले फूल होते हैं, एक बड़ी वाली है उसमें सफेद फूल रहते हैं, वो दोनों को जोड़ा गया है। और एक और उसमें है गोखड़ू, गोखड़ू भी मिलना चाहिए, अभी हम जब चलेंगे आगे, गोखड़ू या गोक्षुर, गाय के खुर के समान उसका फल को देखा गया तो बुजुर्गों ने नाम डाला, और वही गोक्षुर या गोखुर उसी से शब्द बन गया गोखड़ू डोगरी में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है जो खत्म भी होता जा रहा है। और एक जो है उसके साथ दो और वनस्पतियां जिनके नाम है प्रश्नपर्णी और शालपर्णी, पर्णी मैंने पत्ते, तो एक के पत्ते को शाल के पत्ते की तरह देखा गया तो शालपर्णी, और दूसरे का है प्रश्नपर्णी, वो भी हो सकता है इनके हर्ब गार्डन में हमें मिले। तो ये पांच और पांच, पांच पेड़ और पांच वनस्पतियां, दस हो गए, दस मोर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए, धन्वंतरी दिवस और नेशनल आयुर्वेदा डे जब दो दिन बाद है, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो है च्यवन ऋषि, जब वो बुजुर्ग हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है दुर्बलता को ठीक करने के लिए, अपने शिष्यों को ही बोला, तो उनके नाम थे अश्विनी, अश्विनी ब्रदर्स, उन दो भाइयों, वो उन्हीं के शिष्य थे और उनको सम्मान भी करते थे, उनको उन्होंने कुछ रचा अलग अलग जड़ी बूटियों को एक इकट्ठा करके कंसंट्रेटेड फॉर्म है जो हम यूज करते हैं मार्केट में। अब कितने उसमें सही घटक शामिल हैं और कितने हो सकता है, कोई चीज नहीं मिलती, जैसे हर ना मिले तो ना जाने इसकी जगह अदरक ही डाल देते होंगे, तो कई बार ऐसी भी कंपनीज होती हैं। पर जो शुरू में बनाया गया उसमें कोई 50 के करीब घटक डाले गए, जिसमें 40-42 तो पेड़ पौधे हैं और दो चार चीजें और हैं, जैसे घी है उसमें, शहद है और इस तरह से चीजें, तो उसमें भी ये हरड़ शामिल है च्यवनप्राश में। तो च्यवनप्राश में और कौन से हैं, 5-6-10 आपको आनी चाहिए, अगर 40-40 आंवला तो मेन है, आंवला मेन है, उसके साथ ये भी है, और उसमें आपके ब्रैंकड़ है जो हमारे जम्मू की बड़ी इम्पॉर्टेंट है लेकिन कम होती जा रही है, तो उसके हवाले से आज हम अपना अध्ययन जो है ना फोकस करेंगे कि च्यवनप्राश में कौन कौन सी औषधियां वाले ये पेड़ पौधे जो हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है ये जो आप देख रहे हैं कि एक इसका कुंज है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये हरड़ का कुंज है, बहुत अच्छा है, और इसमें शायद अलग अलग जगहों से लाए हैं जीनोटाइप्स है ना, लग रहा है ये यूनिक, और इसमें कौन बेस्ट है उसका शायद रिजल्ट अभी पेंडिंग है, एवेल्युएशन चल रही है, लेकिन हमारा राज हरड़ मथुआर के इलाके का है, वो तो बेस्ट है, और मोस्टली आपने शुरुआत वहीं से की थी,
उस राज हरड से उसमें इंटरक्रॉपिंग भी है। अच्छा, उसमें लेमन ग्रास वगैरह है ना। ये मेरे लिए कब जैसा है सर, इधर ये है। हाँ हाँ, ये तो लिखा हुआ है आपने। अभी इसमें हरियाली नहीं है, नींबू घास है। हाँ हाँ, अगर अगर थोड़ा सा अगर किसी को ना पता होगा, ऐसा लगता है कि सभी को पता होगा, नहीं तो ग्रीन वाला पत्ता लो, मसलो, देखो इसमें खुशबू। तो ये आपकी वो हल्दी आ गई, और हल्दी भी होती है च्यवनप्राश में, हल्दी को भी डाला जाता है। बड़ा अच्छा है जो इनके पास बीच में सर इंटरेस्ट। ये वेटिवर ग्रास होगा है ना, वेटिवर है। हाँ हाँ, खस इसी का भी पीते हैं, रूट का है क्या? ये बड़ा अच्छा है, बैटीवीरिया जेजेनी आइडिस। और ये नींबू घास हो गया, बहुत अच्छा है। बैम्बूसा भी, ये भी डाला जाता है च्यवनप्राश में, पुनर्वसु। ये तो चलो इन्होंने उस जो है ना नक्षत्र वाटिका, जैसे 27 होते हैं कॉन्स्टिलेशन, उसके हिसाब से है। भरनी नक्षत्र, अनुराधा लिखा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये उसके साथ भी पेड़ पौधों को जोड़ा लिखा हुआ है। ये और पेड़ पौधा कौन सा है ना, जैसे ये है चंदन, चंदन को किसके साथ जोड़ा गया? आद्रा नक्षत्र। ऐसे ही आप देखिए, खैर है तो मृगशिरा, बड़ा अच्छा है। कृतिका के साथ अंजीर को देखा गया, और जामुन को किसके साथ है? हाँ, रोहिणी। बड़ा अच्छा है नक्षत्र वाटिका का, सारे आप देख लीजिए। भरनी, आंवला नक्षत्र, रेपती महुआ, वेरी गुड। मुझे लगता है आपको अंदर आना चाहिए, और अपने अपने अगर आपको पता हो तो अपने उससे जोड़ सकते हैं। देखो ब्रैंकड़ भी इधर है, ब्रैंकड़ को किसी नक्षत्र के साथ देखा गया है। किसके साथ है? अश्विनी। तो पारिजात, जो जब हम धन्वंतरी जी की बात करेंगे, धन्वंतरी जी ने हमें आयुर्वेद दिया, और सागर मंथन के उसी समय कहते हैं कि एक पौधा पैदा हुआ था, वो था पारिजात। अगर ये है और फिर दूसरा इसका विशाखा के साथ है, और खास बात इसकी क्या है कि रोज सुबह इसकी जो फूल है ना वो झर जाते हैं, रात को भोर में सारे फूलों के नीचे बिखर जाएंगे जो सुबह के गिरे हुए, लेकिन शाम के वक्त अभी कोई एक घंटे के बाद इसमें फ्लावरिंग होगी, नई फ्रेश फ्लावर। और इसको बोला गया हरी का श्रृंगार, हम हार श्रृंगार कह देते हैं, बेसिकली ये हर कृष्णा का श्रृंगार है, हरी का श्रृंगार। और बिल्कुल ही सुदर्शन चक्र की तरह है इसका फूल की आकृति है, जैसे पिन व्हील फ्लावर भी कहते हैं इसको, फिरकी जिसको कहते हैं। और इसके जो है ना पत्ते और फूल, इनको अगर लेके काढ़ा पिया जाए तो जॉइंट दर्द जो है ना वो ठीक होती है, और सियाटी का एक ग्रिद सी रीढ़ पीड़ होती है उसके लिए भी इसका जो है ना बेस्ट माना गया काढ़ा, डिकॉक्शन। और ये ऐसा पौधा है कि जो कटरा से लेके असम के कामरूप तक हर जगह ही मिलता है, डाउन साउथ भी मिलता है, और इसमें कोई सारी भाषाओं में अपने अपने नाम है। इसको उर्दू में गुलजाफरी भी बोलते हैं, शिफाली का संस्कृत का नाम हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट, और माना जाता है कि धरा पर लाने वाले कृष्णा ही थे। उससे पहले जो है नारद मुनि जी ने इसको एक फूल ला के दिया था कृष्णा को, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें जो है वो देवलोक में ले गए थे, इंद्रलोक, कि ये संभलेगा नहीं, जहां इवल स्पिरिट्स डीमंस कुछ हो, ऐसे लोग होते धरती पर, तो इसलिए। लेकिन एक फूल लेके आए वो नारद मुनि जी ऊपर से इंद्रलोक से, जहां लगा था इन द गार्डन ऑफ इंद्रा, वहां पे सुरक्षित रखा गया था ना इसको। एक फूल लेके आए और उनको देते हैं कृष्ण को, और कृष्ण के बगल में ही कहीं बैठी थी रुक्मिणी, तो उन्होंने उनको दे दिया है ना। तो जाके वो नारद मुनि थोड़े नटखट स्वभाव के भी थे, जाके सत्यभामा जो उनकी दूसरी अर्धांगिनी थी उनको बताया कि एक दुर्लभ फूल मैं लाया था और मुझे उम्मीद थी आपको मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिला। जैसे सद्धर्व हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमने तो सुना नहीं, हमने तो पढ़ा ही है। तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने जिद की सत्यभामा ने कि अब ये मुझे पूरे का पूरा पेड़ चाहिए धरती पर, तो जो भी है। और कृष्णा फिर गए और वहां से इंद्रलोक से लाए थे। लेकिन राम के साथ भी इसकी कहानी है कि जब वन वन में राम ढूंढ रहे थे सीता मैया को, तो कहीं ना पेड़ पौधों से भी पूछते जा रहे थे, है ना। ये प्रकाष्ठा होती है, जब इतने वो इमोशनल हो जाओ तो फिर आप पत्थर को भी पूछोगे,
वो वही है जिस तन लागे वही जाने। तो उन्होंने इस पेड़ के नीचे भी विश्राम किया और फिर यूं ही विश्राम किया। तो उसके बाद जो है उठ के चले गए। तो बाकी वाले पेड़ों ने बाद में इस पेड़ को बोला, भले मानस मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात आए थे और तुझे खुश हो करके उनके ऊपर तेरे इतने खूबसूरत और सुगंधित फूल थे, इनकी बोशारी की होती, वो भगवान थे भाई, वो तो तूने क्या किया। तो कहते हैं कि इसने मानी अपनी भूल और कहते मैं समझ नहीं पाया मर्यादा पुरुषोत्तम है जिस भेष में भी वो थे। तो कहते हैं कि तब से ये हमारे बुजुर्गों ने सोची ये कहानी इसके प्रति और वही मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। तो वही उन्होंने बोला कि उसके बाद इसने प्राश्चित के रूप में हमेशा अपने फूलों को रोज सुबह बिछा के एक शैया सी कि अब राम आएंगे तो अब ये भूल नहीं होगी, वो इस पे बैठेंगे। तो मतलब है इंटरप्रेट कर किया है पेड़ों को हमारे 4000 साल पहले बुजुर्गों ने भी, और आज भी इसकी जो है हम सम्मान कर रहे हैं, तभी गार्डन में लगा हुआ है। तो ये जो है आपका रीठा है जो शैम्पूज में तो पड़ता ही है ये रीठा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये याद रह पाए जो नक्षत्र हैं हस्त नक्षत्र। और ये भी हमारे बुजुर्गों की दीन है कि किस तरह से उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाने के लिए, ये रुद्राक्ष है पीछे, इसको काटा के ऊपर से कट गया सूख गया अच्छा, ये वाला। तो रुद्राक्ष जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो जितेंद्र सिंह जी ने किया है तो इसका विशेष हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, MOS ने किया है। और रौद्र रूप में जब थे शिवा तो माना जाता है कि वो रोए थे और जो उनका जो है आंसू निकला बड़े साइज का होगा। तो इसका जो फल है अगर बाहर वाला जब सूख जाता है ना पेरिकार वो जब उतर जाती है तो अंदर से वही रुद्राक्ष जो हम माला पहनते हैं तो उसमें आंख की थोड़ी शक्ल है, सफायर रंग का इसका फल का कलर होता है, इसलिए इसको सफायर बेरी भी बोला जाता है या शिवाज सेक्रेट बेरी भी बोला जाता है। और रुद्राक्ष जो है कई मेडिसिनल क्वालिटीज भी, खास करके इसका पॉजिटिव एनर्जी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है अगर प्रॉपर तरीके से। तो एक्यूप्रेशर भी इसका माना जाता है कि कहाँ पे पहनना है। तो कई किस्म का वो जो इसमें कोई 16 किस्म की वेराइटीज है जिसमें एक मुखी दो मुखी तीन चार पांच पता नहीं, वो हमने सारी मुखी तो देखे नहीं, हमें तो ज्यादा पांच मुखी दिखाई देता है, लेकिन एक मुखी है और उससे ज्यादा भी इसके वो है। तो ये काफी ज्यादा चर्चित हमारा रिलीजियस सेक्रेट पेड़ है रुद्राक्ष, और सबसे बढ़िया पेड़ मुझे मानसर में दिखाई देता, वहां लगाया हुआ है, काफी फलों से भरा रहता है वो। और एक दो नक्षत्र कोई रहता नहीं गया, वो मैंगो का है क्या, मौलश्री का, वो मौलश्री जरूरी है, मौलश्री है, मौलश्री है ना, मौलश्री अनुराधा, क्योंकि वो हाँ वो सीता शोक भी अच्छा था, लेकिन सीता शोक गलत है, ये ठीक करना भाई, आओ मेरे आने का फायदा भी हो जाए ना। संजय जी सारका सोका ठीक करना है, ये बहुत दुनिया भर ने गलती की है और ये गलती आप भी करोगे तो फिर आज इसको ठीक करना पड़ेगा। ये जो है ना सीता अशोक नहीं है, मैंने वो तो ठीक है संदर्भ, लेकिन ये सीता अशोक नहीं है, ये राम अशोक है, सीता अशोक लगाओ ना मिल जाता है नर्सरी से, तो बढ़िया वाला लाओ। ये तो शरीफा कुल का अलग प्लांट है, इसमें कोई खूबसूरत फूल नहीं होते, सीता अशोक तो बड़ा लाल, और वो पंचवटी में जब रावणा के उसमें रही बिग भी होता है, फूल लाल होते ना उसके, हाँ तो ये नहीं है। तो क्या करोगे, इसको यहां से उगाना पड़ेगा और उसको रोपित करना पड़ेगा, अब मीटर ऊंचा ले आओ, ये आपने फायदा क्या फिर अदरवाइज करेक्शन नहीं करोगे तो, क्योंकि जो नक्षत्र है वही नक्षत्र है, जो पेड़ है वही, हाँ इसको कर लेना, ये आज की एक करेक्शन। चलो ये है गंबारी, मैं कह रहा था पांच पेड़ आपको आने चाहिए, तो बेल तो मुझे लगता है कि सबको आते ही होंगे, पर ये वाला गंबारी है जिसको डोगरी में कसीर भी कहा जाता है और लिखा भी है उधर गंबारी। दस मूल पेड़ों में पांच पेड़ है और पांच वनस्पतियां, तो पांच पेड़ों में एक बेल है, बेल तो मुझे लगता है सबको पता होगा जंगलों में भी उगता है, और दूसरा हो गया ये, और तीसरा मिलेगा तो बात करेंगे। ओहो तीसरा भी मिल गया, ओहो शायद आपने वही लगाए हैं, ये देखो शोनाका, वेरी गुड, ये तीन दो तो हो गए, तो इसका मतलब बाकी भी होंगे, बेल है क्या इधर, बेल भी होगा, इतनी शीलिंग बेचते हैं, चलो एटलीस्ट दो। और इसको अगर आपकी कोई छोटी सी जिसकी बॉडी हो काया बड़ी वो, ये इसको लाना है, ये गिरी है ना, ये स्टैमी जैसी डंडी, ये उठाना,
ये ले आओ, ले आओ दो तीन। क्यों इसको बुजुर्गों ने डाला था? क्योंकि इसकी हड्डियों की तरह शक्ल है, देखिए ये जब इकट्ठे हो जाते बिल्कुल हड्डी, अगर आपने देखी हो कभी हड्डी अपनी भी कहीं भी किसी की भी, तो ये हड्डी का जो आकार है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं ये हमारे हड्डियों को मजबूती देगा अगर ये च्यवनप्राश में डाला जाएगा। क्या हिंट उन्होंने लिया? डॉक्टरिन और सिग्नेचर्स। तो ये आप देखिए, आप जितने भी हैं कोई भी आप उठाइए तो इट विल ऑल हैव द बोन लाइक स्ट्रक्चर और रिच इन कैल्शियम है। अब तो आप इसको अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और सही है, आज के साइंसदानों ने भी माना कि यस कैल्शियम बहुत है इसमें, इसका सेवन करने से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कैल्शियम पूरा होगा। लेकिन 4000 साल पहले जब कोई साइंस नहीं थी, जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, जब एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, तब कैसे उन्होंने आइडिया लगाया? सी द विजडम ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। तो ये दो पेड़ आपको दिख गए, गंभारी और शोनाक। शोनाक के डोगरी नाम ही है, मुंजन, मुंजन डोगरी नाम है, टाटरा नाम है, अरलू है, भूत वृक्ष है। अंग्रेजों ने भी बड़े नाम डाले हमारी बातें सुन के, कहानियां हमारी, उनके पास तो होता नहीं ये पेड़, तो उन्होंने इसका नाम मिड नाइट हॉरर, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज ट्री, ब्रोकन बोन्स ट्री, वो बिल्कुल सही है। इसको देखे ब्रोकन बोन्स ट्री भी नाम डाला हुआ अंग्रेजों ने। सर ये नवग्रह वाटिका, वेरी गुड। हाँ ये आ गया कुशा, कुशा तो आपको पता ही है, हम दब भी बोल देते कई बार। और देखिए तितलियां, तितलियों के लिए भी कितना वो है, एक किस्म का समझ लीजिए कि आश्रय देने वाले घास, घास पे भी आपको तितलियां दिख रही हैं। तो ये कुशा है और वो भी होता है खब्बल, खब्बल भी है, बुद्ध, बुद्ध का है पुटकंडा, पुटकंडा का भी बड़ा इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। हाँ बिल्कुल, और हमारे कई मतलब दिवाली के बाद भी जो टांगने मांगने का होता है ना, उसमें भी ये दिवाली में भी होता है। ये पीपल से बहुत, इसके बिना हमारी बहुत से संस्कार पूरे नहीं होते। पीपल का है वो ठीक है, ये बहुत बढ़िया। और ये देख लिया, ये बड़ सबको भी पता है, ये आक है, ये इसका सूरज का है, सन, मून का है वो, हाँ ये ठीक है, मून का वो है क्या कहते हैं उसको, प्ला, प्ला का हूँ सर पीछे ना। हाँ ये है चंद्रमा, हाँ इसलिए भी के मेरे बेटे का नाम भी यही है पलाश, तो इसलिए भी मैं इसका। और सबसे बड़ी बात है आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और आजादी का अमृत काल में है, और जैसे मोदी साहब कहते हैं तो कैन यू बिलीव की जो पहली लड़ाई जो डिसाइसिव थी टू चेंज द इंडियन हिस्ट्री, वो थी प्लासी की लड़ाई, वो कब हुई? 1757 में हुई, जून के महीने में, और जून के महीने में ये इसका जो फ्लावरिंग थी वो चरम पे थी, दैट इज द ओनली टाइम समर सीजन, और कहां? बंगाल में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो हुई वो बंगाल से हुई। तो वहां पे एक जगह है जो हम प्ला कहते हैं इसको, तो बंगला भाषा में इसको प्लासी कहते हैं, प्लासी होगा लेकिन अंग्रेजों ने उसको प्लासी पढ़ा, और इसलिए वो बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि उस जगह का नाम, जैसे इधर सुहांजना भी है, सुहांजना भी पेड़ होता है, सुहांजने से आ गया। इसी तरह से और भी कई जगह हैं, प्लासी हमारे रामनगर में भी है। तो मैं हैरान होता हूं कि शायद वो आजादी की लड़ाई और जो दर्द देखे होंगे लोगों ने, सब ने अपने अपने गांव में कहीं ना कहीं प्लासी, प्लासी इधर भी है बसोली में, बसोली में एक गांव। तो इसी तरह से जो लड़ाई लड़ी गई जिस जगह पे, उस जगह नाम प्लासी था, इसलिए इसका नाम एक है बैटल ऑफ प्लासी ट्री। लेकिन उससे पहले तो हमारा पुराना नाम है संस्कृत में किंशुक, शुक तोते को कहते हैं, इसका फूल फूल देखा जाए तो चोंच जो है तोते की चोंच के समान है, सबसे पुराना नाम तो वही है किंशुक। लेकिन आपको पता है जो बांग्लादेश की कैपिटल है उसका नाम क्या है? ढाका। तो ढाका नाम भी इससे आया क्योंकि वहां इसके बड़े पेड़ थे, ढाक इसको कहते हैं, ढाक के तीन पात, तो इसलिए बुजुर्गों ने जिस जगहों के नाम दिए पेड़ पौधों के ऊपर ही दिए, ढाक के तीन पात, ढाका और प्लासी की लड़ाई। ये तो खैर है, सही है, तेरी खैर नहीं है ना, मेरे कन्ने खैरे आते तेरी खैर नहीं, डोगरी भी मतलब दोनों चीजें हैं, कांटे जो हैं, और ये तो कत्थे में भी पड़ता है, और इसका कितना ज्यादा व्यापार है और कितना ज्यादा इसका मेडिसिनल यूज भी है, यज्ञ हवन में समिधा भी इसकी होती है, यूनिक साइनोडान। ये खब्बल है, ये राहु का ठीक है, बढ़िया। तो ये अमलतास है, करंगल है, और ये भी मैंने सुना था कि डोगरे समाज में, शायद हिंदुस्तान में भी होता होगा,
कलीरे जो बनाते थे उसमें जो ठूठी में पहला जो त्रोपा है ना उसमें इसका सीड डाल के उसको रोकते थे, नहीं तो धागा तरसो ही अंदर डोगरी चाको तो क्या वो थी। अब आजकल तो बहुत सी चीजें हैं, आजकल तो कपड़ा भी कर सकते हो, शमी है जांडी और सर अपना खेजड़ी भी कहते हैं है, लेकिन ये पेड़ सही से शमी नहीं है। यहाँ पे भी करेक्शन करने की जरूरत है, लेकिन यही बिक रहा है तो क्या करें। अब ये बेसिकली है, यही है। अब देखो नर्सरी वाले ये कहेंगे ये शमी है तो शमी हो गया, लेकिन अब क्या करना है, झूठा शमी है ये। तो ये डाइक्रोस्टैकिस साइनरेरिया है, अगर आप गूगल में देखेंगे तो समझ आएगा। इसके फूल दो कलर के होंगे, पीला और लाल, आधा लाल होगा। हाँ बिल्कुल, देखने में ये ज्यादा वीर तरु, इसका सही नाम है वीर तरु एक्चुअल, जिसके लिए इतनी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाखों मरकी नर्सरी में तैयार। हाँ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी क्या करना, सच्चाई जाओ राजस्थान जहाँ खेजड़ली गांव है, जहाँ पे इसके लिए हत्या मैंने बलि दी थी लोगों ने इसको बचाने के लिए। राजा था अभय सिंह, उसको चाहिए था लकड़ी, तो उसने तो डायरेक्ट नहीं कहा कि उस गांव से लाओ, लेकिन जब एक हुक्म हो जाता राजे का तो बाकी क्या हिम्मत होती थी उस वक्त, थोड़े बोलता है राजा को नहीं जी कहीं दिख नहीं रही लकड़ी कहां से लाएं। तो वो चले गए उधर, और उधर वहां एक लेडी थी अमृतो देवी, और उसने रजिस्ट किया कि नहीं इस ये पेड़ की इसकी फलियों के वो बनाते हैं कड़ी बनाते हैं संगरी, तो ऐसे भी जो बकरी होती है वो भी खाती है, और ऐसे भी कभी उनको यज्ञ हवन में उनको बिश्नोई समाज से थी ना वो, तो उनके जो जम्बो जी थे उनके गुरु, उन्होंने बोला था कि भाई आप शाकाहारी रहना, वायलेंस नहीं करनी, 20 और 9 कोई नियम बताए थे, और उसके ऊपर चलने वाली लेडी थी वो, तो उसमें ये भी था कि पेड़ों की रक्षा करनी, अगर आपके प्राण भी जाते तो जाएं पेड़ों को, ये भी एक नियम था। तो उसने वो रजिस्ट किया और उन लोगों ने कुल्हाड़ा चला दिया और वो मर गई। जब वो मर गई फिर उसकी बेटी भी और गांव वाले मरते, 270 के 72 लोग मरे जिस पेड़ के लिए, वो ये पेड़ नहीं था। इसलिए हमें अदरवाइज क्या पेड़ है तो कोई बात नहीं, यही सही शमी, जो सही शमी है जिसके लिए सचमुच ब्लड शेड हुआ और राजस्थान में हो, वो है प्रासोपिस साइनरेरिया, नाम इन्होंने सही लिखा, लेकिन ये है डाइक्रोस्टैकिस साइनरेरिया साइंटिफिक। तो इसको भी थोड़ा सा करेक्शन मुझे लगता है कि आप लाओगे, मिलेगा आपको लसूड़ा। हाँ लसूड़ा ठीक है, और एक टाइम था इसको इसका ही गोंद होता था, आजकल मार्केट में जाओ आपको ट्यूबे मिल जाती है कई किस्म की, पहले इसी का गोंद हम लगाते थे कागजों को चिट्ठियों को चिपकाने के लिए, इसलिए इसका नाम था ग्लू चेरी। हाँ ग्लू चेरी, तो ये प्लांट है जिसको बोलते हैं मलकंगनी ठीक है, लेकिन ये गलत है। इधर था इसके साथ ना ये पहले, वो सूख गया ये लगा। हाँ हाँ नहीं पर अब ये गलत हो जाता ना, फिर मैंने इसको उठा के उधर रख दो, वो उधर चला गया ना, वो उधर उठा। ये इंटेलेक्ट वाइन है, जैसे IQ देखना होता है बच्चों को, और बच्चों को भी लगता है भाई इस बच्चे को याद नहीं रहते क्वेश्चन का जवाब ये वो, तो IQ को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को एनहांस करने के लिए इसको यूज करते हैं, तभी इसका नाम है इंटेलेक्ट वाइन। वाइन होगी क्लाइंबर, और ज्योतिषमती ऑयल नाम से बिकता है मार्केट में, लाल रंग का तेल है ज्योतिषमती तेल जी। और ऐसे हम इसको कहते हैं मालकंगनी, इधर सही है ना। हाँ सेलास्टस पेनिकुलेटस सही है, बिल्कुल ठीक है, नहीं वो दूसरा भी मात्र कन्फ्यूजन हो जाता ना, इसलिए फ्लावरिंग देखो कितनी प्यारी मलकंगनी, बहुत बढ़िया। ये शतावर है, तो शतावर भी हमारा माँ गौरी के साथ जो नौ रूप है ना, नौ रूप में शतावर भी है, शतमूली भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये जंगल वाला है। अब आपने इसको किया, हाँ शुक्र है ये ठीक है, एडसेंडेंस सही। शतावरी जो बेल है जो मार्केट में आता है, वो रेस मोसा है, वो अलग है, वो ये नहीं, हाँ ये वो है, यस वो सही है जो मार्केट में बिकती है, जिसको ज्यादा खाते है, ये जंगल की है, तो इसका इतना खाने का है नहीं, पर कई है तो मेडिसिनल प्लांट है। ये भी दोनों एस्पैरेगस हैं, दोनों की प्रजातियां अलग अलग है, तो ये है हमारे जंगल की और वो है कल्टीवेट। आगे रत्ती, रत्ती भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जहर मोरा भी, रत्ती क्रैब्स आई बीन और सोना तोलने के लिए इसको यूज करते थे रत्तियां, है ना, रत्ती मासा तोले जो वेट्स हैं वो इसी से आए। इसको तेल में गरम करके हड्डियों के लिए गरम होती है, इसकी माला भी बनती थी, बट इसमें पॉइजन भी है, इसलिए बड़े खासकर बच्चा निकल जाए
या कुछ प्रिक किया हुआ अगर टूटा हुआ हो तो वो जहर अंदर जा सकता है। हम उसको बोलते हैं जहर मोरा, लेकिन इसके पत्ते जो है ना वो जहर मोरा नहीं है, उसको आप खा सकते हो। लेकिन अभी चूंकि डोगरिया का करेड़ा ही है ना, थोड़े नरम नरम हो, इट इज एंटीडेप्टिक। लीव्स कैन बी कंज्यूम्ड, इवन रूट कैन बी कंज्यूम्ड, बट नॉट द सीड्स। परत्ती हाँ हो जाता है, लेकिन बहुत टफ है इसका। ये रत्ती है एब्रस प्रीकेटोरियस। दुनिया में दो पौधे बड़े जहरीले माने गए, एक है एरन अरंडी जिसको कहते हैं कैस्टर प्लांट, हालांकि वो भी उसका तेल जो है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, आयुर्वेदा में देते हैं, लेकिन उसका जो बीज है उसमें पॉइजनस कंटेंट भी है, तो बड़े ध्यान से ही मैंने उसको कंज्यूम करना है। जो तो उसी तरह से दूसरा ये है, ये बड़े डेडली पॉइजन है, इससे कई लोगों की हत्या भी की गई है। हाँ, जहर मोरा। अनंतमोल वो तरड़ है, ये तरड़ नहीं है तरड़, लेकिन दूसरा डायस्कोरिया लिखा है, लगता हुआ तरड़ जैसे ही है। तरड़ का थोड़ा सा पत्ता पतला होता है। हाँ, ये दुआ है, ये जो है अचार में ये ज्यादा अच्छा है, बड़ा साइज का होता है, इसको टैंडी का अचार कहते हैं। ये आपका मुलठी है, पर मुलठी सूख गई है, लेकिन ये बाबड़िंग है, ये पेड़ जो है ना बाबड़िंग, इसमें जैसे काले मिर्च होते हैं ना उस जैसा दाना लगता है, अगर कहीं लगा हो तो देखो, अभी छोटा भी है ये। ये अकर करा है, ये अकर करा है, ये सभी करें और मैं भी करूंगा। एक एक माउथ फ्रेशनर, यू पुट इन माउथ एंड डोंट टेक इट, बट जस्ट गो एंड च्यूइंग, आफ्टर सम टाइम यू विल हैव सम सेक्रेशन। तो ये है अकर करा, दांतों के लिए अच्छा है। ये कस्तूरी भिंडी है, एबल मोचे मोचेटर। हाँ, कस्तूरी भिंडी, मुश्क दाना, कस्तूरी दाना भी बोला जाता है, ऐसे भिंडी है बट इसके इसमें खुशबू होती है। ये मेहंदी सर ला सोनी है, ये मेहंदी मेहंदी कहाँ? हाँ, ये असल में मेहंदी है। और ये देखिए जो मैं बोल रहा था, मुश्क दाना कस्तूरी भिंडी, ये देखिए कस्तूरी भिंडी का फूल भी है, ये कस्तूरी भिंडी हमारे गांव में होती है, दाने लोग यूज करते हैं। ये तिम्बरू है, उत्तराखंड में तांत्रिक विद्या में काफी ज्यादा यूज होता है ये, इसके एक दो डंडा घर रखने से कहते हैं इवन स्पिरिट्स भाग जाती है, पर अदर में कुंडा डंडा जो है चटनी के लिए भी, और टूथब्रश में ये तिम्बरू है, और ये दूसरा मेडिसिन प्लांट है अश्वगंधा, जैसे वो घोड़े की गंध आती है उसके रूट से, और ये सर्पगंधा, ये इसकी अगर जड़ देखेंगे निकाल के तो बिल्कुल सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी जड़ नहीं होती, इसलिए इसका नाम है स्नेक रूट। और ये तो ये भी जिस तरह से मैं कह रहा पुटकंडा, पुटकंडे के साथ इसको भी दिवाली को दिवाली बिल्कुल टांगा जाता है, लेकिन ये ज्वाइंट पेन्स में बहुत बढ़िया है, इसको बोलते हैं निरगुंडी, निरगुंडी का तेल। पत्ते बॉयल करके ये कैसे किस में? नहीं, ये बोल रहे हैं ज्वाइंट पेन के लिए। हाँ, इसका एक्सट्रैक्ट देते हैं, बट बेसिकली तेल होता है, तेल। अच्छा, वो फिर जो बनाने वाले हैं प्रैक्टिशनर वो बनाते हैं निरगुंडी का तेल, उसकी करते हैं मालिश, लेकिन अदरवाइज इसका जो धुआं दे दो पौधों पत्तों का तो मॉस्किटो भाग जाता है इसका धुआं देने से, तो हमें ये लगता है कि जो टांगने वाली परंपरा है वो भी इसीलिए हुई कि मच्छरों का दिन होता था, मच्छरों का सीजन है, तो इनको टांगने से कहीं ना कहीं मॉस्किटो रिपेलिंग एक्शन है इसका। लेकिन आपने सुना होगा लिव 50 क्या है 2, लेकिन जो जम्मू की रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है उन्होंने सिर्फ इस एक पेड़ से उसके बराबर की टिक्की बना दी, और जिसका नाम उन्होंने दिया है लिव 1,
लिव वन में और कोई जड़ी बूटी डालने की जरूरत नहीं है, इसके अकेले का एक्सट्रैक्ट बहुत है। तो लिव 52 के मुकाबले पे खड़े कर दिए इस एक प्लांट की टिक्की को, इसका लिव वन बना बना। ये अपनी शंबर है, ये सेस की लिख रहे हैं, ये डोगरी में इसको बोलते हैं शंबर। सेस की जो है वो दूसरी है, वो किश्तवाड़ में होती है, दूसरी स्पीशीज है। हम इसको सही मायने में डोगरी में बोलते हैं शंबर। तो ये भी आप शंबर लगवाओ जी, डोगरी नाम शंबर है। और ये जो है मगा है, मगा मग मगा, ये मगा का वो है।